हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ट्यूटर क्लासेस। तो जैसा कि आज 7 जुलाई है, तो आइए 7 जुलाई से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसे हु विल बी द इंडियाज फ्लैग बियरर एट टोक्यो ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी। तो ओपनिंग सेरेमनी में कौन फ्लैग बियरर होंगे, तो ये कौन होंगे दोस्तों, ये हमारी मैरी कॉम होंगी और मनप्रीत सिंह होंगे। ठीक है, ये दोनों हमारे ओपनिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर होंगे। वही अगर बजरंग पुनिया की बात करें तो ये क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे फ्लैग बियरर होंगे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, क्लोजिंग सेरेमनी के लिए फ्लैग बियरर बजरंग पुनिया को चुना गया है, वही ओपनिंग के लिए एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह को चुना गया है। मनप्रीत सिंह जिन्हें हॉकी टीम का कैप्टन चुना गया है फॉर टोक्यो ओलंपिक। ठीक है दोस्तों, वही अगर सज्जन कुमार की बात करें तो ये पहले स्विमर बने हैं जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है ग्रेड ए कैटेगरी में। ठीक है दोस्तों, आइए तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये हमारे नरेंद्र बत्रा। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि टोक्यो ओलंपिक गेम जो है वो कब से कब हेल्ड होगा दोस्तों, तो ये जुलाई 23 से लेकर अगस्त 8 तक चलेगा दोस्तों। ठीक है, वही टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम जो है वो अगस्त 24 से सेप्टेम्बर 5 तक चलेगा दोस्तों। जो हमारा पैरा ओलंपिक गेम है उसमें जो फ्लैग बियरर होंगे दोस्तों वो कौन होंगे, वो हमारे होंगे मरियप्पन थेंगुविला। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पैरा ओलंपिक गेम से रिलेटेड है दोस्तों। तो आइए एमसी मैरी कॉम से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे एमसी मैरी कॉम जो है, ठीक है, उन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला है दोस्तों, तो ये पहली वुमेन थी जिन्होंने एशियन गेम में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने बॉक्सिंग में पहला गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। अभी रिसेंटली में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, पद्म विभूषण, तो इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था दोस्तों, तो पद्म विभूषण इन्हें मिला था 2020 में दोस्तों। वही अगर पद्म भूषण की बात करें दोस्तों, तो इन्हें पद्म भूषण कब मिला था, तो पद्म भूषण इन्हें 2013 में मिला था। और पद्मश्री कब मिला था दोस्तों, तो पद्मश्री इन्हें 2006 में मिला है दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच प्लेस द इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड अ वार मेमोरियल इन मेमोरी ऑफ कैप्टन गुजेंद्र सिंह सूरी हु डाइड ड्यूरिंग द ऑपरेशन बिरसा मुंडा 1999। तो 1999 में एक ऑपरेशन हुआ था दोस्तों बिरसा मुंडा, उसमें गुजेंद्र सिंह सूरी का देहांत हो गया था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर जो है एक वार मेमोरियल खोला गया दोस्तों। ये कहाँ खोला गया, तो ये गुलमार्ग में खोला गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये वार मेमोरियल बहुत फेमस है दोस्तों। ठीक है, तो इसे किसने इनोग्रेट किया है दोस्तों, इस वार मेमोरियल को, तो इसे इनोग्रेट करने वाले कौन थे दोस्तों, ये हमारे इंडियन आर्मी चीफ एमएम नरवणे थे। कौन थे दोस्तों, एमएम नरवणे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिरसा मुंडा ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे बिरसा मुंडा ऑपरेशन वॉज पुनेटिव रेड कंडक्टेड अगेंस्ट द पाकिस्तानी पोस्ट बाय अ बिहारी बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी इन द मंथ ऑफ नवंबर इन 1999। तो 1999 में बिरसा मुंडा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था दोस्तों। इसका जो मेन एम था वो क्या करना था, पाकिस्तानी पोस्ट पर रेड करना था। इसमें हमारे कैप्टन गुरजेंद्र सिंह सूरी का देहांत हो गया था, उन्हीं के नाम पर एक वार मेमोरियल गुलमार्ग में खोला गया दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, तो अभी रिसेंटली में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स इसने जो जीता है दोस्तों, तो ये हमारे मैक्स विस्टप्पन। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं मैक्स विस्टप्पन, जो कि रेडबुल के लिए F1 रेसिंग करते हैं दोस्तों। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट F1 विनर को देख लेते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है दोस्तों, तो ये मैक्स विस्टप्पन ने जीता है। वही मोनैको ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है दोस्तों, तो ये भी मैक्स विस्टप्पन ने जीता है। इमेला रोमेगा ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो ये भी मैक्स विस्टप्पन ने जीता है दोस्तों। वही स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है दोस्तों, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है दोस्तों, तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। वही पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो ये भी लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये हमारे लुइस हैमिल्टन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टायरन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो ये वेरस्टप्पन ने जीता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये जो
क्वेश्चन है यहाँ से ग्रैंड प्रिक्स से, एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इसे बहुत ध्यान में रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके एग्जाम में। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज वॉन द सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट टाइटल इन सर्बिया? तो सर्बिया में अभी सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट हुआ था दोस्तों, इसमें किसने जीता है दोस्तों? तो यह है निहाल सरीन, निहाल सरीन ने अभी ये टूर्नामेंट जीत लिया है। ठीक है, तो आइए चेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को जान लेते हैं जो कि अभी रिसेंटली चर्चा में रहे हैं। जैसे डी गुकेश जो है वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर है दोस्तों इंडिया के, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, वही अभी सब मोस्ट रिसेंट में अभिमन्यु मिश्रा जो है वो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने चेस हिस्ट्री में, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंट में ही चर्चा में आया, पिछले करंट अफेयर में भी मैंने इसे कवर किया था। वही अर्जुन कल्याण जो है वो 60th ग्रैंड मास्टर बने दोस्तों इंडिया से। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नासा नियोस टेलीस्कोप हैज रिसेंटली गॉट अ मिशन एक्सटेंशन ऑफ हाउ मेनी ईयर? तो अभी कितने ईयर्स का इसे एक्सटेंशन दिया गया दोस्तों? तो इसे अभी 2 साल का एक्सटेंशन मिला है दोस्तों। ठीक है, नियोस टेलीस्कोप जो है वो नासा के द्वारा यूज किया जाता है दोस्तों। तो आइए नासा से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे नासा का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो नासा का एस्टेब्लिशमेंट जो है दोस्तों 29 जुलाई 1958 को हुआ था, कहाँ? यूएस में। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गेव इट नॉट टू हेल्प द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन इंप्लीमेंटिंग सैटेलाइट टीवी क्लासरूम फॉर स्कूल स्टूडेंट? तो स्कूल स्टूडेंट को ये क्लासरूम सैटेलाइट टीवी के द्वारा क्लासरूम प्रोवाइड करेंगे दोस्तों, तो किसके साथ गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है? तो ये हमारा इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। जैसे इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुआ था दोस्तों। अभी रिसेंट में इसके हेड के बात करें दोस्तों, तो इसके हेड कौन है? के सिवान। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा, वो ड्यू टू COVID-19 है दोस्तों, जिसके कारण हमारे स्कूल इंस्टीट्यूट सारे कुछ बंद है। तो इसरो के साथ टाई अप कर हमारा गवर्नमेंट जो है वो फ्री में सैटेलाइट टीवी क्लासरूम प्रोवाइड करने वाला है दोस्तों। तो इसरो साइंटिस्ट ऑल्सो इम्फेसाइज ऑर्गेनाइजिंग रेडी टू प्रोवाइड सैटेलाइट राइट टू इन ऑर्डर टू स्टार्ट सैटेलाइट क्लासरूम टीवी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए कौन सा सैटेलाइट यूज होगा दोस्तों? तो इनसेट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे वो लोगों को 100% एरिया और 100% पॉपुलेशन को सैटेलाइट विजन के माध्यम से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सो वेयर इज इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम बिंग बिल्ड? तो ये कहाँ बनाया जा रहा है दोस्तों? ये जयपुर में बनाया जा रहा है, जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है दोस्तों, जिसको हम लोग हवा महल बोलते हैं। हवा महल जो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि एक बार एसएससी में इसमें इससे अजीब क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ विंडोज कितने हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ टोटल नंबर ऑफ विंडोज जो है वो 953 है, जो मे बी फिर से पूछे जा सकते हैं। हवा महल जिसे किसने बनाया था दोस्तों? तो यहाँ के राजा स्वय प्रताप सिंह ने बनाया था, स्वय प्रताप सिंह ने इसे बनाया था, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो स्टेडियम बनने वाला है दोस्तों, इसका कैपेसिटी क्या होगा? वो अप्रॉक्स 75,000 होगा दोस्तों। अगर हम दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम की बात करें दोस्तों, लार्जेस्ट स्टेडियम की बात करें, तो वो कौन है दोस्तों? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसे कि हम लोग मोंटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। इसका टोटल जो कैपेसिटी है दोस्तों वो क्या है? 1,32,000। वही दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दुनिया में बात करें दोस्तों, तो वो कौन है? मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, ठीक है, जहां ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। इसका जो सिटिंग कैपेसिटी है दोस्तों वो क्या है? 1,24,000। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो हमारा मोंटेरा स्टेडियम था दोस्तों, इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? तो ये जो मोंटेरा स्टेडियम था, इसका इनॉग्रेशन हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने किया था। ये टेस्ट मैच था दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड का, इसी बीच इसका इनॉग्रेशन हुआ था। तो ये दोस्तों, सो 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स टू बी हेल्ड फ्रॉम 20th to 80th November 2021 इन विच स्टेट? तो किस स्टेट में मनाया जा रहा है दोस्तों? ये गोवा स्टेट में मनाया जा रहा है दोस्तों। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये दोस्तों कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो 1952 में एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका 52th एडिशन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसे ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारे जो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावेदकर, उन्होंने ये पोस्टर रिलीज करके इन्फॉर्मेशन दी दोस्तों कि 52nd एडिशन जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा, कब? 20th से 28th नवंबर 2021 में। ठीक है दोस्तों, कहाँ हेल्ड हो रहा है? तो गोवा में हो रहा है।
तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च निपुण भारत प्रोग्राम, तो निपुण भारत प्रोग्राम किसने लॉन्च किया दोस्तों, ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर कौन है दोस्तों, रमेश पोखरियाल निशंक है, जिन्होंने वर्चुअली इस प्रोग्राम को लॉन्च किया दोस्तों। निपुण जिसका कि फुल फॉर्म आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। तो इट्स स्टैंड फॉर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ठीक है। इसका जो मेन एम है दोस्तों वो क्या है कि वो जो यहाँ के बच्चे हैं उनमें ये इंश्योर करना चाहते हैं कि वो लिटरेसी और न्यूमरेसी को अटेन कर सके इन द अर्ली एज ऑफ द लाइफ, ठीक है, और उन्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल सके कि वो अपना फाउंडेशन लिटरेसी को कंप्लीट कर सके। तो इसका जो टारगेट है दोस्तों वो 2026 से 2027 तक कंप्लीट करना है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ गोवा, तो अभी रिसेंट में गोवा के जो गवर्नर चुने गए हैं दोस्तों वो कौन है, वो हमारे पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। तो ये कुछ रिसेंट में चेंज गवर्नर है दोस्तों, जिसे हमारे प्रेसिडेंट ने रामनाथ कोविंद जी ने चेंज किया है रिसेंटली में। तो आइए देख लेते हैं, जैसे कर्नाटक के अभी रिसेंट में गवर्नर कौन बने, तो थावरचंद गहलोत बने हैं। मध्य प्रदेश के कौन बने हैं दोस्तों, तो मुगल भाई चंद्र भाई पा, ठीक है दोस्तों। मिजोरम के कौन बने हैं, डॉक्टर हरिबाबू कामभती, ठीक है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के कौन बने हैं, तो राजेंद्र विश्वनाथ अरलेलकर। गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई बने दोस्तों, त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्या, झारखंड के रमेश बैस बने दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी गिरीश चंद्र मुर्मू थे, ठीक है। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू थी दोस्तों, और हरियाणा के अभी जो बने हैं गवर्नर वो कौन है, बद्रू दत्ता आर्या, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी रिसेंट में गवर्नर्स चेंज हुए हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द सेल्फ स्टोरेज एंड यूज ऑफ ड्रोन हैज बीन बैन इन विच अमंग द फॉलोइंग इंडियन सिटीज, तो ये श्रीनगर में बैन कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि अभी रिसेंट में वहां पे ड्रोन अटैक्स वगैरह हुए थे, ठीक है। तो इसलिए फाइनली अनमैन ड्रोन्स वगैरह वहां पर बैन कर दिए गए हैं, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेटनर एक्टर दिलीप कुमार पास्ट अवे एट द एज ऑफ 99, तो अभी रिसेंटली में दिलीप कुमार जी का देहांत हो गया 98 साल की उम्र में, कहां दोस्तों, मुंबई में, ठीक है। वो एक बायलेटरल पिलोरियल इफ्यूजन डिजीज से सफर कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। तो आइए दिलीप कुमार से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे दिलीप कुमार ने अपना डेब्यू कब किया था, तो 1944 में किया था, और इनका जो लास्ट मूवी था वो क्या था, किला, जो कि 1998 में रिलीज हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स और जान लेते हैं। जैसे इन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1994 में, ये पद्म भूषण भी थे दोस्तों 1991 में इन्हें सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से। वही ये निशाने इम्तियाज भी थे दोस्तों 1998 में इन्हें सम्मान दिया गया था, और ये पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे 2015 में। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म फोन पे हैज स्टार्टेड विच कंपनी टू लॉन्च अ कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे, तो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों जिसने अभी पार्टनरशिप किया है फोन पे के साथ फॉर पेमेंट सॉल्यूशन, तो ये है फ्लिपकार्ट दोस्तों, ठीक है। तो आइए फ्लिपकार्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था दोस्तों, तो अक्टूबर 2007 में हुआ था। इसको एस्टेब्लिश करने वाले सचिन बंसल और बिनी बंसल थे। वही अगर फोन पे की बात करें दोस्तों, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट दिसंबर 2015 को हुआ था दोस्तों। अगर फोन पे के हेड की बात करें दोस्तों, तो वो कौन है अभी इसके हेड जो है वो है समीर निगम, ये इसके सीईओ है। तो इसके सीईओ कौन है दोस्तों, समीर निगम। वही अगर फ्लिपकार्ट की बात करें दोस्तों, तो इसके सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ है कल्याण कृष्ण मूर्ति। कौन है दोस्तों, कल्याण कृष्ण मूर्ति इसके सीईओ है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज रिसीव्ड लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर स्पुतनिक फाइव। स्पुतनिक फाइव जो है दोस्तों वो कोविड-19 वैक्सीन के लिए एंटीडोट है एक तरह से, ठीक है। ये वैक्सीन डेवलप किया गया है दोस्तों रशिया के द्वारा। तो अभी रिसेंटली में इंडिया के किस कंपनी को इसके मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस मिला है, तो ये कौन है दोस्तों, ये है पेनेशिया बायोटेक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following has been awarded the world most innovative investment promotion agency of 2021? तो 2021 का most innovative investment promotion agency कौन बना है दोस्तों, तो ये Invest India बना है दोस्तों। Invest India जो है वो बना है 2021 का most innovative promotion agency दोस्तों, ठीक है। तो आइए next question पे चलते हैं। पुष्कर सिंह धमी स्वर्ण as the minister of Uttarakhand, ठीक है। तो ये जो पुष्कर सिंह धमी है दोस्तों, ये उत्तराखंड के
मिनिस्टर चुने गए, चीफ मिनिस्टर चुने गए दोस्तों, तो केवे नंबर के चुने गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 11th नंबर के चुने गए दोस्तों, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ये अभी रिसेंटली में तीर्थ सिंह ने अपना रेजिग्नेशन सौंप दिया दोस्तों, जो कि शॉर्टेस्ट चीफ मिनिस्टर बने हैं, शॉर्टेस्ट टेन्योर के उत्तराखंड के। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों क्वेश्चन कि आपके पुष्कर सिंह धामी केवे नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं और अभी रिसेंटली में तीर्थ सिंह रावत ने जो रेजिग्नेशन दे दिया, तो वो सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर के चीफ मिनिस्टर है, उनका मात्र 115 दिन का टेन्योर रहा दोस्तों। कब से कब इनका कार्यकाल था, तो 10 मार्च 2021 से लेकर मात्र 2 जुलाई 2021 तक था दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम द थर्ड वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इन टू द स्पेस आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम। तो सुनीता विलियम और कल्पना चावला के बाद पहली बार तीसरी वुमेन ओरिजिन को चुना गया है स्पेस में जाने के लिए, तो ये कौन है दोस्तों, ये है हमारी सिरसा बंदेला, सिरसा बंदेला को चुना गया दोस्तों। इससे पहले कल्पना चावला जो है वो 19 नवंबर 1997 को स्पेस में गई थी दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली वो रिटर्न नहीं हो पाई और उनका डेथ हो गया था दोस्तों, ठीक है। वही दूसरी ओर सुनीता विलियम 9 दिसंबर 2006 को स्पेस में गई थी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो इंडियन ओरिजिन की वुमेन है सिरसा बंदेला, इनका जो स्पेस में जाने का जो टाइम सुनिश्चित हुआ दोस्तों वो क्या है, जुलाई 11 फ्रॉम न्यू मैक्सिको से ये लॉन्च होगा, ठीक है। उनका जो अब्रॉड स्पेसशिप है उसका क्या नाम है दोस्तों, VSS यूनिटी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपका आज का सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों, आई थिंक आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, तो इसे लाइक करें जो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन सेलेक्ट कर ले दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली में मैंने पिछले लास्ट 6 मंथ का करेंट अफेयर्स का वीडियो डाला है पार्ट 1, आज पार्ट 2 आने वाला है दोस्तों, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रामबान साधिपिथो का दोस्तों, जो कि SSC CGL और CHSL एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो प्लीज जाके आप उसे देखें। मैं उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों, आप वहां से भी देख सकते हैं और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय, हैव अ नाइस डे।